क्या आपका ई रिक्शा हैंडल से साउंड होता है? अगर हाँ तो आज की इस वीडियो आपके लिए है। क्या आपका ई रिक्शा हैंडल से साउंड आता है? तो आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को ई रिक्शा हैंडल का जो प्रॉब्लम होता है साउंड की, वो सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। और ये प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ये हैंडल बियरिंग को चेंज किए बगैर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा रेंज की जरूरत होता है। तो हमारे सामने सबसे पहले है 12-13 डाल, उसके बगल में है एक 12-13 रिंग, और इसके बगल में है एक लोहा का टुकड़ा, और उसी के बगल में है 30-32 डाल, और बगल में है 30-32 रिंग, और उसी के साथ में है एक हथौड़ा, और उसी के साथ में है एक लीवर। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा रेंज की ज़रूरत होता है। तो चलिए जल्दी से ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो ई रिक्शा है ना, ये इली ई रिक्शा है। तो चलिए इस ई रिक्शा का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं हैंडल बियरिंग को चेंज किए बगैर। तो सबसे पहले हम लोग ये 12-13 रिंग डाल के मदद से ये नट को लूज कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको लूज कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा ये जो नट है ये हमारा लूज हो चुका है। तो चलिए दूसरा साइड में जो है उससे भी हम लोग लूज कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि दोनों साइड का जो नट है वो हम लोगों ने लूज कर लिया हूँ। अभी हमें हैंडल टी का जो टॉप नट होता है 30 नंबर का, वो हम लूज कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसे भी लूज कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपका ई रिक्शा पुराना हो चुका है या फिर आपका ई रिक्शा का माइलेज पहले से काफ़ी कम हो चुका है? अगर हाँ तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारे चैनल पे इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारा वीडियोस पहले से ही अपलोड किया हुआ है। आप चाहते हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। और मैं आप सबको बता दूं कि आप अपने ई रिक्शा पर अगर 5 बैटरी का कनेक्शन करना चाहते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर भी हम पहले से ही एक वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, या फिर इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं आप सबको बता दूं कि हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस चैनल का नाम है गोपाल बारोई ब्लॉग्स, और उस चैनल पे मैं लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये अगर लूज हो जाता है तो हमारा हैंडल से आवाज़ आने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा ई रिक्शा का जो हैंडल बियरिंग है वो टूट गया है। मैं आप सबको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ज़्यादातर लूज़ होने के वजह से ऐसा होता रहता है। तो हम लोग ये अच्छा से टाइट कर देंगे और उसके बाद फिर से हम लोग इसको फिटिंग कर देंगे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं हमारा ई रिक्शा का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या फिर नहीं। अरे सर ये क्या, आप अपने भाई के चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूलिएगा,
क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे ई रिक्शा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आई होप कि आज का ये छोटा सा वीडियोस आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।